यहाँ का ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आया है यहाँ पर, मतलब मौसम एक नंबर। सच में पता नहीं मैं कितने बार बोल चुका, लेकिन मौसम एक नंबर रहता है यहाँ का। मतलब ना ठंड ना गर्म ना कुछ, टी शर्ट पहनो तो ठीक है, शर्ट पहनो तो ठीक है, स्वेटर जैकेट कुछ भी पहन लो तो भी ठीक है, नहीं पहनो तो भी ठीक है। यहाँ संडे के दिन काफ़ी लोग दिख जाते हैं कुछ नहीं पहने, वैसे ही घूम रहे, बियर पी रहे। अभी मैं यहाँ से बस लूँगा और जाऊँगा एवेन्यू पुलिस का, जो साओ पाउलो का सिटी सेंटर है, और अगर कुछ अच्छा रहेगा तो ब्लॉग बना दूंगा, नहीं कुछ नहीं बना। Falling a deep, and I can't fight it. I can't fight it. You wreck my mind. I'm losing my sleep. यहाँ से भी एलो लाइन का मेट्रो लूँगा, और क्या नाम है, विला सोनिया से लेके पोलिस्टा तक। सोचा था मास्क नहीं पहनूंगा, लेकिन यार सभी पहन रहे तो मैंने भी पहन लिया। ये है मेट्रो, क्या नाम है, विला सोनिया। विला सोनिया से जाऊंगा मैं पोलिस तक, जो यहाँ का सिटी सेंटर है साओ पाउलो का। यहाँ का मेट्रो काफ़ी डीप में है, मतलब अगर जयपुर से कंपेयर करें तो उसका 4 डबल होगा, इतना डीप है। ऐसे 5-6 एस्केलेटर आ गए, सब जाके पहुँचा अभी मैं। ये येलो लाइन है, विला सोनिया से मैं जाऊँगा एवेन्यू डी पोलिस तक। ये येलो लाइन लेने के बाद 7 स्टेशन के बाद पहुंच गए पोलिस्ता, सोनिया विला से पोलिस्ता गए। ये वाला मेट्रो तो और भी ज़्यादा डीप है पोलिस्ता वाला, ऐसे 7 एस्केलेटर आ गए, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। ये है यहाँ का मेन साओ पाउलो का सिटी सेंटर पोलिस्ता, और इससे ज़्यादा सेंटर कुछ नहीं हो सकता। ये मेन सिटी सेंटर, ये रोड 4 किलोमीटर में है, जैसे हमारे पाचा मतलब जयपुर में ना क्या कहते हैं चांदपोल वगैरह, जयपुर का मेन सिटी सेंटर, तो ये है यहाँ का मेन सिटी सेंटर। भाई साहब ये है यहाँ का सिटी सेंटर एवेन्यू पोलिस था, और मैं बिल्कुल खड़े हूँ सेंटर में। ये यहाँ तक, ये आगे से जो 4 किलोमीटर रोड है, ये ही एवेन्यू पोलिस था। ये यहाँ पे टूरिस्टिक इंफॉर्मेशन सेंटर भी है मेन रोड के पास में, ये बिल्कुल जैसे पोलिस्ता है बस इसके पास में ही है, और बहुत बड़ा आई भी लिखा है तो किसी को भी दिख जाएगा कि यहाँ पे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है। यहाँ जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर बार्गेनिंग चलती है, आप कुछ भी लोगे बार्गेनिंग करके ले सकते हैं। ओ भाई साहब मिल गया ये, चलो ये है सबसे यहाँ का फेमस बिल्डिंग, ये ओनली 4 पिलर पे ही है, यह मिल गया है जो यहाँ का बड़ा फेमस है। ये ओनली 4 पिलर में खड़ा है, और ये म्यूजियम है यहाँ का। तो म्यूजियम का तो मैंने गूगल में देख लिया, कुछ नहीं बस फोटोज़ वगैरह पेंटिंग वगैरह, तो मेरा कोई काम का नहीं है, बाहर से फ़ोटो खिंचवा लेंगे मस्त वाला। ये रहा भाई साहब पोलिस था। इस बिल्डिंग से मुझे जयपुर का एक मंदिर याद आया, गोविंद देव जी का मंदिर है, उसका जो साइड वाला जो वो मतलब छत टाइप बना रखा है, उसमें भी बीच में कोई पिल्लर नहीं है, बिना पिल्लर का है, और वो गिनीज वर्ल्ड बुक में है वहाँ पे लिखा हुआ भी है, और ये भी काफ़ी बड़ा है वैसे। ये म्यूजियम है और इसके सिर्फ 4 ही पिल्लर है, बीच में कोई पिल्लर नहीं है, खाली है बिल्कुल। म्यूजियम की एंट्री कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि म्यूजियम में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, बस पोस्टर और पेंटिंग लगे हुए, क्या मतलब है। Falling deep.
और वो ग्रीन वाला तो ब्राज़ील का झंडा है और ये जो वाइट और ब्लैक वाला है ये है साओ पाउलो का झंडा। यहाँ पे हर स्टेट का अलग अलग फ्लैग होता है, 26 स्टेट है तो 26 अलग अलग फ्लैग है। साओ पाउलो का ये वाला है और उस साइड वाला ब्राज़ील का है। साओ पाउलो का गाना बना दिया। यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री दिखा रहा है लेकिन मेरा थोड़ा गांव है ना वहाँ हमेशा कम रहता है, 16 17 18 रहता है। ये मेन सिटी सेंटर रह गया ना तो थोड़ा टेम्परेचर हाई रहता है यहाँ पे। Can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. So don't leave me alone. यहाँ पर एक बिल्डिंग है वो मुझे मिल नहीं रहा, उस बिल्डिंग से क्या इस पूरे रोड का बढ़िया व्यू आता है। उस बिल्डिंग में एंट्री तो फ्री है लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है, तो ऑनलाइन के लिए मैंने खूब ट्राई किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे होगा नहीं होगा। सब बोल रहे कि ऑनलाइन बुकिंग होगा लेकिन कैसे होगा वो कोई नहीं बता रहा। ऐप के थ्रू भी मैंने ट्राई किया तो ऐप तो सपोर्ट नहीं कर रहा मेरे फ़ोन में। उस बिल्डिंग का नाम है SESC, हाँ यही नाम है, और उससे बहुत शानदार व्यू आता है इस पूरे रोड का। 3-4 किलोमीटर जो पूरा रोड है बहुत ही शानदार व्यू आता है। और वहाँ पे एंट्री तो फ्री है लेकिन मतलब खाना पीने का पैसा है, ऊपर रेस्टोरेंट टाइप बना रखा है जैसे हमारे हवा महल के सामने बना रखे ना, मतलब ठीक वैसा ही है। मतलब कुछ इस पूरे 2 या 3 किलोमीटर है कि 4 किलोमीटर समझ में नहीं आ रहा, मतलब 3-4 किलोमीटर का होगा रोड। इसमें अब तक 5-6 तो स्टारबक्स आ गए और 4 मेट्रो स्टेशन आ गए। ये सामने जो है ये मेट्रो स्टेशन ही है लेकिन वो बिल्डिंग है भाई साहब। जिस बिल्डिंग का मैं बोल रहा था ना कि यहाँ से बढ़िया व्यू आता है वो सामने रहा बिल्डिंग, वो रहा सामने ऊपर ग्लास वाला, वहाँ से इस रोड का पूरा अच्छा व्यू आता है। अब देखते हैं एंट्री मिल पाता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा क्योंकि मैंने बुकिंग नहीं किया और इतनी क्राउड हो रही है ऊपर, तो तगड़ी वाली भीड़ है भाई साहब।
तो एंट्री मिलना तो मुश्किल है। ट्राई करते फिर भी, 26 डिग्री हो गया अभी टेम्परेचर। ये पता नहीं क्या सिस्टम कर रखा है, ऐसे गोल गोल बना रखा है और हवा आ रही है मस्त वाली नीचे से, ठंडी ठंडी हवा आ रही है पूरे रोड में आगे तक बिल्कुल। लेकिन तो यार बिल्कुल माहौल बन जाता है पूरे, बहुत ही शानदार कॉन्सर्ट हो रहे हैं। 3-4 जगह फ्री है, मतलब पैसे देने तो दो पड़ना मतलब। और ये वही वाला बिल्डिंग, 4 पिलर भी तो खड़ी है। Fighting for you got me hoping, hey, you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep, and you know that it's all that I need. So don't leave me alone. अभी मैं हूँ यहाँ पर पोलिस्ता और मुझे जाना है विला सोनिया, बिल्कुल लास्ट। यहाँ का मेट्रो वाला जो रूट है काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बड़ा है।
भाई साहब क्यों क्या यार, 6 एस्केलेटर आ गए अभी, वही एक और जाना है नीचे। यहाँ पर जो लिखा है ना साइदा, साइदा का मतलब होता है एग्जिट। वो तो भला हो कि मेट्रो में कम से कम इंग्लिश में तो लिखा हुआ, वरना कहीं पर इंग्लिश में भी नहीं लिखा हुआ है, बस पुर्तगीज़ में ही है। ये मेट्रो है और मेन शहर में, इसलिए इंग्लिश में है।